नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं एस आर न्यूज गुजरात। मेरा नाम है तस्नीम आलम बाबा साहब तिर्मिजी। मैं बहरामपुरा वार्ड का काउंसिलर हूं और ईद मिलाद का सेंट्रल कमेटी का भी चेयरमैन हूं। और मुझे डॉक्टर मुन्ना भाई एबीसी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है और डॉक्टर साहब मुन्ना भाई हर्ष जहाँ भी होते हैं कैंप हमको सीनियर को सबको बुलाते हैं और इकबाल भाई कॉरपोरेटर और हमारे अखी टीम जफर अजमेरी पप्पू हमारी जो टीम है हम इनके वहाँ जब भी ये लोग कैंप हर महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने जब भी करते तो मेरे को मुन्ना भाई डॉक्टर साहब याद करके हमको बुलाते हैं। और मुन्ना भाई को अल्लाह का करम है और इनकी इज्जत है। और जितने डॉक्टर है मैंने सुना कि यहाँ 26 डॉक्टर आए और मुन्ना भाई सब डॉक्टर को बुलाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और एकता लेके चलते हैं। डॉक्टर मुन्ना भाई जो है यहाँ एबीसी के प्रेसिडेंट है उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और मैं यहाँ आया हूँ उनके लिए बहुत बहुत उनके लिए और दुआ करता हूँ कि और आगे कैंप चलाओ और हमारे जो सीनियर है बहुत भी अगर ये हमारे मुस्लिम में सबको बुलावे और उनके साथ हम मेरे लायक मुन्ना भाई डॉक्टर को बोलना चाहता हूँ, मेरे लायक कुछ भी काम हो काउंसिलर का तो मैं आधी रात को इनके लिए काम करने तैयार हूँ। शुक्रिया। आपका नाम और होगा? मेरा नाम इकबाल शेख है, सीनियर काउंसिलर हूँ गोमतीपुर से। आज हम सब जमालपुर के अंदर आए हुए इकबाल होटल के करीब जो पटांगण है पिपली का वहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। एबीसी ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी एक मेडिकल कैंप जो हो रहा है जिसके अंदर फिजिशियन, सर्जिकल, पीडियाटिक, ऑर्थोपेडिक, गायनेक, ईएनटी तमाम प्रेजेंट के डॉक्टरों की हाजिरी है। बहुत बड़ी तादाद में जमालपुर के और आसपास के विस्तार के लोग इसकी सेवा ले रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैं मानता हूँ ऐसे कैंप हर विस्तार में होना इसलिए चाहिए ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिले। और अफसोस बात तो ये है कि जो ब्लड रिपोर्ट महंगे हो गए हैं इतने, जिसके लिए 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बॉडी चेकअप के लिए पूरी प्रोफाइल के लिए देना पड़ता है, वो आदमी नहीं दे पाता है, गरीब लोग उसका टेस्ट नहीं करा पाते हैं। इसके लिए जो ढंग से उनका निदान होना चाहिए, जो ढंग से उनकी पूरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और ऐसी ट्रीटमेंट भी जो है यहाँ पर 25-30% के मातेबर रकम, छोटी सी छोटी रकम में पूरे टेस्ट हो रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि ऐसी संस्थाओं को अल्लाह ताला दिन दुनी रात चौकनी तरक्की अता पर ताकि गरीबों का और आम प्रजा का काम होता रहे। मैं हमारे साथी और हमारे अजीज दोस्त मुन्ना भाई और डॉक्टर शमीना बेन शहलत भाई तमाम डॉक्टरों को जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उनको मैं मेरे साथी सीनियर आगेवान अहमदाबाद शहर की जानी मानी हस्ती ऐसे हमारे तस्लीम आलम तिर्मिजी साहब अहमदाबाद माइटिस के प्रेसिडेंट हमारे साथी पप्पू भाई दाणिमड़ा के एक प्रेसिडेंट जनाब जफर भाई अहमदाबाद शहर में बहुत ही अच्छा काम करने वाले हमारे जुहापुरा के मलिक साहब और मेरा वो साथी जो बिल्कुल बरसों से हमारे साथ रहकर कॉरपोरेशन में आज की तारीख में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम तमाम ने आकर इनका हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। हम अल्लाह ताला से फिर से दुआ करते हैं कि ये कैंप कामयाब रहे और इनको और भी अच्छे कैंप करने की शहर में ऐसे अल्लाह हिदायत दे ताकि और गरीब लोगों का फ़ायदा होता रहे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत खुशी का मौका है यहाँ पर और रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ रजिस्ट्रेशन 400 के ऊपर हुआ है। इसलिए मैं एबीसी के जो ट्रस्टी हैं मुन्ना भाई, शहजाद भाई जागड़ू, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ
क्योंकि बहुत टाइम बाद में यहाँ पर मेडिकल कैंप हुआ नहीं था, इसलिए पब्लिक इंतज़ार करके बैठ रही थी। इसलिए आज जो ये मौका आया है तो पब्लिक हाथ से जाने नहीं दे रहे। अभी तक भी रजिस्ट्रेशन चालू है और पब्लिक यहाँ पर आ रही है। हमारे मजबूरी से थोड़े टाइम के बाद हमारे को रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पब्लिक आएगी शाम तक इनको हम ट्रीटमेंट दे नहीं सकेंगे। दूसरे यहाँ पर जो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए उनको सबको मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर मैं देने जाऊंगा तो करीबन 10 मिनट चली जाएंगे, इतने डॉक्टर यहाँ पर सेवा में आए हैं। मैं एक बार फिर मुन्ना भाई को और शहजाद भाई को मुबारकबाद देता हूँ। एजाज भाई ने इनकी टीम ने जो ये कैंप रखा, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसा कैंप हर हमेशा करते रहे और लोगों को इनके द्वारा ट्रीटमेंट मिलती रहे और इनको आप दुआएं मिलती रहे, ऐसी मैं दुआएं करता हूँ। और ABC ग्रुप ने इस ये कैंप का सफलपूर्वक आयोजन किया और ये पहला कैंप है और इंशाल्लाह ये पहले कैंप के अंदर इतनी अच्छी रिस्पांस मिला, इनके 900 से 1000 लोगों ने यहाँ पर सेवा ली। मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह और भी इससे अच्छा भारी कैंप करें और मेरे लायक इसके अंदर जो भी कैंप के अंदर काम हो मैं हर हमेशा मैं आपके साथ में हूँ। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले तो मेरे जमालपुर खाड़िया विधानसभा विस्तार के अंदर ABC ट्रस्ट मेडिकल की जानिब से मेडिकल कैंप रखा गया है और ग्रीन पैथोलॉजी लैब के जानिब से भी, दोनों के संयुक्त का नाम से यहाँ रखा है। जमालपुर के अंदर मैं समझता हूँ कि अभी तक मुन्ना भाई और ये जागड़ू भाई हमारे, इनकी टीम ने बहुत से कैंप किए और ये आज सुबह से ये कैंप के अंदर जिस तरह से लोग हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ अलग अलग जात के टेस्ट हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं, अलग अलग जात की जो दवा डॉक्टर लिख के मेडिसिन दे रहे हैं वो फ्री दे रहे हैं। तो ये समझता हूँ कि ऐसे जो कैंप होते हैं उसमें काफ़ी जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको बहुत से फ़ायदा होता है। साथ साथ में जब ऐसे कैंप ये मुन्ना भाई और इनकी जो टीम करती है और ये जो ग्रीन लैब वाले करते हैं, तो उसके अंदर जो बाहर जो टेस्ट होते हैं वो 500 रुपये में होते हैं। अगर जो अभी डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ डिस्काउंट से भी वो लोग इनकी लैब के अंदर जाते हैं तो कर देते हैं, तो उसमें भी गरीबों को बहुत फ़ायदा होता है। तो आज जिस तरह से मेडिकल महंगा हो गया है, महंगे मेडिकल के अंदर ऐसे जब कैंप होते हैं तो सरकार को भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये जो ऐसी संस्थाएँ उनका सम्मान करना चाहिए कि काफ़ी जो सरकार का काम ये खुद कर रहे ले, गरीबों का काम ये खुद कर रहे ले, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या राज्य सरकार हो, ऐसे जो बहुत से मेडिकल स्टोर चलाते हैं, मेडिकल अलग अलग हॉस्पिटलें चलाते हैं, लेकिन ये जो संस्थाएँ जो काम करती है ये संस्था बहुत बेहतरीन काम करती होती है। और ऐसा नहीं, ये संस्था जमालपुर में किया, शाहपुर में किया, दरियापुर में किया, कालूपुर में किया, खाड़िया में किया, बहरामपुर में किया, जहाँ पर आप जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ पर ये डॉक्टर की इनकी जो पूरी टीम है वो सब लग जाती है और काम करती है। तो आज के दिन मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से मेडिकल के साथ साथ लोगों को जागरूक भी होने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई की भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज पॉल्यूशन वाला पानी पीने से भी समझो ज़्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं, गंदे पानी पीने की, तो बहुत सी जगह पे पानी की ऐसी फरियाद आती है, तो ये डॉक्टर के ज़रिए हमको पता चलता है कि आपके विस्तार के अंदर ये विस्तारों में गंदा पानी आता है, यहाँ आप चेक करवाइए। तो ये भी हमको भी एक अच्छी जानकारी इनकी टीम की तरफ से दी जाती है, तो हम वहाँ पे कॉरपोरेशन की टीम को भेजते हैं। और ख़ास करके मैं और ग्यासु भाई, मैं आपके ज़रिए आपकी चैनल के ज़रिए मैं जो लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड बनाया है वो हर एक घर में, हर एक फैमिली के घर में होना चाहिए। आज कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसको फिर बाद में आते भागम भागी करते हैं कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। सरकार ने 10 लाख रुपए की सहाय के साथ ये कार्ड बनाया है, तो हर एक घर के अंदर ये कार्ड होना चाहिए जो फ्री में निकल जाता है। और तमाम सुविधा, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ी बड़ी जो तुम्हारे एक ज़माने में था कि भाई कैंसर की, किडनी की, वो बीमारी का लिए चलता था, अभी सब बीमारी के लिए, तमाम बीमारियों वो कार्ड तुम्हारा चलता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी चलता है, SPPO उसमें भी चलता है, सिविल में भी चलता है, सरकार की तमाम हॉस्पिटलों में चलता है। तो मैं लोगों को यही गुजारिश करता हूँ कि आप आयुष्मान कार्ड ज़रूर से करवा लें, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने फैमिली के हर एक मेंबर का कार्ड के अंदर नाम, मेडिकल जो बुक बनती है उसके अंदर होना चाहिए। शुक्रिया। ABC ट्रस्ट और ख़ास करके बरसों से हम देखते हैं कि मुन्ना भाई और उनकी जो टीम है पूरी बहुत अच्छे तरीके से अहमदाबाद के तमाम गरीब इलाकों में जा कर के
फ्री मेडिकल कैंप करती है और मुन्ना भाई और उनकी टीम का जो जज्बा और जुनून हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सही मानों में इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा उनके अंदर है। क्योंकि आज अगर हम या इमरान भाई कोई काम करते तो हमारे तो उसके पीछे का मकसद भी रहता है कि आप लोगों की खिदमत करके आपके पास से वोट को लेना। लेकिन मुन्ना भाई और उनकी टीम और ABC ग्रुप ये जिस तरीके से ये काम करता है तो सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए और उसकी मखलूक की खिदमत के लिए काम करता है। और जिस तरीके से इमरान भाई ने बात बताई कि आयुष्मान कार्ड, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जब भी कोई पेशेंट सीरियस होता है या इमरजेंसी जब आती है तो उस वक्त में हमारे पास लोग दौड़ के आते हैं कि भाई हमको तुम इसका कार्ड बनवा दो। लेकिन अब ये कार्ड सबको पता है कि हर हॉस्पिटल में चलता है, सरकारी हॉस्पिटल में भी चलता है, जो है खानगी हॉस्पिटल में भी चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो खेते हुए बहुत फख्र होता है कि जो आयुष्मान कार्ड और वात्सल्य योजना जो गुजरात में बनी उसमें मुसलसल 8 साल की मेरी मेहनत थी और मेरे 15 साल के विधायक बनने के दरमियान सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे बड़ी अगर कोई काम करी अल्लाह ने मेरे पास से ली वो ये ली कि माँ वात्सल्य और ये जो आयुष्मान बना है उसका जो है पूरी की पूरी कोशिश और मेहनत जद्दोजहद मेरी रही है। तो हमने हर जगह पे इसके बारे में कैंपेन भी चलाया, लोगों को कहा भी और अभी भी हम लोगों से यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आयुष्मान कार्ड बनाएं ताकि बड़ी जो बीमारी है, जो गंभीर बीमारी है जिसका खर्च बड़ा है तो वो खर्च वहाँ पर हो सके। लेकिन छोटी मोटी सरकारी हॉस्पिटल में संस्था जैसे छिपा समाज की भी हॉस्पिटल है, दूसरी छोटे छोटे समाजों की भी हॉस्पिटल्स हैं और जैसे जैसे मुन्ना भाई के तरीके से काम करने वाली जो टीम है तो छोटी मोटी इलाज के लिए, छोटी मोटी बातों के लिए, छोटे जो पृथकरण कर रहे हैं उसके लिए वो लोग कोशिश मेहनत तो करते ही हैं। तो यानी दोनों तरफ का बैलेंस हो जाता है कि छोटे काम जो हैं जो छोटी बीमारियों में वो हमको फ्री इस तरीके से मिल जाते हैं और बड़े जो मामले हैं वो हमको आयुष्मान के द्वारा मिलते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक मरतबा फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद मुन्ना भाई और उनकी टीम को देता हूँ और इसी के तरीके से ये इखलास के साथ खिदमत करते रहे और गरीबों की सेवा करते रहे। हाय नमस्कार, मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो।